हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार को डेल्टा में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये टॉपिक है हमारा। तो देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये याद रखना होगा नोट। देखिए क्या लिखा है इसमें, डेल्टा नेटवर्क के किसी भी इम्पीडेंस, मान लिया हम ए ये जे जेड ए बी इम्पीडेंस मान रहे हैं, का मान कह रहा है, इसका मान किसी का भी मान इनमें से एक का, स्टार नेटवर्क के मतलब इसके दो दो इम्पीडेंसों के गुणनफल, दो दो मतलब जेड ए जेड बी और जेड बी जेड सी, ऐसे करके दो दो के गुणनफल के सम योगफल, मतलब जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए, इसका मतलब ये है। में डेल्टा के अपोजिट कह रहे हैं, मैं इसमें जे ये जो है योगफल, योगफल के योगफल में डेल्टा के अपोजिट इम्पीडेंस, माना हम जेड ए बी निकाल लें तो इसका अपोजिट स्टार में देखना हमें जेड सी इम्पीडेंस जो स्टार में होता है। देखिए जो स्टार में होता है तो जेड ए बी का अपोजिट इधर देखेंगे जेड सी होगा, के भाग करने के बराबर होता है, मतलब इनकी दो दो की गुणा में अगर हम इसका कोई भी वैल्यू निकाल लें उसके अपोजिट जो स्टार में है उससे अगर हम भाग कर दें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखिए हम वैल्यू निकालते हैं जेड ए बी की, पहले हम इन सब का गुणा का योग निकालते हैं। देखिए जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए, ये लाइन हमारी ये हो गई। देखिए डेल्टा नेटवर्क के किसी भी इम्पीडेंस का मान स्टार नेटवर्क के दो दो इम्पीडेंसों के गुणनफल के सम, ये हो गया गुणनफल का सम, स्टार के इम्पीडेंसों के गुणनफल का सम हो गया दो दो के। अब हमें मान लिया हमने वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पे, देखिए हमें वैल्यू निकालना है जेड ए बी की, जेड ए बी की वैल्यू निकालना है हमें, तो जेड ए बी की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये वाला जो दिया है मान इसको हम ऊपर लिखेंगे। देखिए जेड ए प्लस जेड बी, सॉरी मल्टीप्लाई में जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए, ये हमने लिख लिया। अब ये जो लिखा है इसके अनुसार कह रहे हैं कि मैं डेल्टा के अपोजिट इम्पिडेंस जो स्टार में होता है के भाग करने के बराबर होता है। मान लिया हम अभी क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं जेड ए बी का मान, तो जेड ए बी ये है, इसकी अपोजिट दिशा किधर होगी, ये इस साइड को, तो अपोजिट इस साइड को होगी, तो वो हमें स्टार में देखना है। देखिए स्टार में इधर है अपोजिट, ये हो रहा है जेड सी, तो हमें जेड सी से इसे डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है जेड सी, या फिर हमें इस प्रकार याद रखना है। देखिए यहाँ क्या आया, जेड ए जेड ए बी, जेड ए बी है तो इसमें सी नहीं था तो सी से भाग कर दिया, इस प्रकार भी हम इसके इसके लिए एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। हमें निकालना है जेड बी सी की वैल्यू, तो ऊपर वाला मान सभी का वही रहेगा, ये जो है ये सभी में समान रहेगा, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए डिवाइडेड बाई, देखिए यह बी और सी आया है, देखिए इस वाले ट्रिक से देखिए बी और सी आया है तो यहाँ पे क्या नहीं है, ए नहीं है, तो हम जेड ए से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो ये ट्रिक के अनुसार हो गया, और अगर हम इसको लेके चलें तो देखिए हमारा हमने निकाला इसमें क्या निकाला है, जेड जेड बी सी, तो यहाँ पे हम देखेंगे जेड बी का इधर नीचे है जेड बी सी, इसका अपोजिट ऊपर होगा तो हमें स्टार में देखना है। देखिए जेड ए आया है तो उसी से हमने यहाँ पे भाग कर दिया है, हमें निकालना है जेड जेड सी ए की वैल्यू निकालना है, तो देखिए जेड
सी ए, जेड सी ए की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो इसमें ऊपर वाली समान वैल्यू रहेगी, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे देखिए क्या नहीं है, सी और ए है, बी नहीं है, तो हम जेड बी से इसे भाग कर देंगे जेड बी, तो ये हमारी जेड सी ए की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से भी देख लीजिए, हमने जेड सी ए की वैल्यू निकाली तो इस साइड को अपोजिट होगा, तो देखना है हमें स्टार में साइड क्या है हमारे जेड बी, वही हमने जेड बी से इसमें भाग कर दिया, तो ये हमारी सारी वैल्यू मिल गई है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये जो वैल्यू है हमारा, मतलब ये जो गुणनफल दिया है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ जेड ए जेड बी, इसे ये भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ जेड ए जेड बी डिवाइडेड बाई जेड सी, इसी प्रकार जेड सम ऑफ जेड ए जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए, इसी प्रकार इसे भी लिख सकते हैं, देखिए सम ऑफ जेड ए जेड बी डिवाइडेड बाई जेड जेड बी, देखिए ये बी, तो ये भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, और देखिए इसके लिए स्टार बना लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार लगभग आता ही आता है, और इसका डेल्टा टू स्टार कनेक्शन भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, थैंक यू।